दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच जो 15 अक्टूबर को होने वाला था उसकी अब डेट चेंज होने वाली है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। और इसी बीच में इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच है जो कि 15 अक्टूबर को है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि इंडिया में 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए पूरी दुनिया भर में गरबा और डांडिया खेला जाता है। और अगर 15 तारीख को ही इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो अहमदाबाद के अंदर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की पब्लिक अहमदाबाद में क्रिकेट मैच देखने के लिए आ रही है और सभी लोगों ने अपने होटल्स की भी बुकिंग कर रखी है। लेकिन 15 तारीख की जगह अब बीसीसीआई का कहना है कि ये मैच 14 अक्टूबर को हो सकता है, जो कि एक दिन पहले होगा। और इसी वजह से अब मुश्किल उन लोगों को होने वाली है जिन्होंने कि पहले से ही अपने होटल्स बुक करा लिए हैं। टिकट्स को फिर से री अपडेट करके उसे 14 अक्टूबर पे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने होटल्स लिए थे उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और बीसीसीआई ने अभी 14 अक्टूबर की डेट को भी फिक्स नहीं किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में थोड़े और चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी कि अभी 14 अक्टूबर फिक्स है, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये डेट फिक्स है या फिर इसे और चेंज किया जाएगा।